नमस्कार, आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। एक नन्ही बालिका 10 वर्ष की माही केवट अपने माता पिता को छोड़कर अपने नाना नानी के साथ निकली है मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए। आपको बता दें कि मां नर्मदा की परिक्रमा बहुत लंबी है, लेकिन इसके नन्हे नन्हे कदम डगमगा नहीं रहे और मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए अपनी नाना नानी के साथ निकल पड़ी है परिक्रमा करने के लिए। इसके ऊपर मां नर्मदा का आशीर्वाद है। भक्ति में कितनी शक्ति होती है, ये तो इस बालिका को देखकर ही लगता है। कहते हैं कि जो पुण्य गंगा नदी में नहाने से मिलता है, वही पुण्य मां नर्मदा को देखने से मिल जाता है। मां नर्मदा का कंकर कंकर शंकर है। भगवान शिव की कृपा के लिए सारे सन्यासी मां नर्मदा के पास डेरा जमाते हैं। विश्व की यही एक ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है। आपको बता दें कि मान्यता के अनुसार मां नर्मदा की परिक्रमा 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन की मानी गई है। खरगोन जिला तहसील बड़बहा ओमकारेश्वर धाम से महज 40 किलोमीटर दूर सियाराम बाबा तेली धाम भाटिया के रहने वाले छोटे से परिवार की नन्ही बिटिया अपने माता पिता को छोड़कर मां नर्मदा की भक्ति में लीन होकर अपने नाना नानी के साथ ही मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए निकल पड़ी है। आपको बता दें कि माही के पिता का स्वास्थ्य अधिक खराब होने के पर उनकी मां नर्मदा से ठीक होने की कामना की गई थी। मां नर्मदा परिक्रमा करने का संकल्प लिया था और स्वास्थ्य ठीक होने पर नाना नानी जैसे ही मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए घर से निकले, वही 10 वर्ष की मासूम माही भी अपने नाना नानी के साथ मां नर्मदा की परिक्रमा करने के लिए जिद पर आ गई। परिजनों के लाख मना करने पर भी माही अपनी जिद पर आई रही और आखिरकार माही को परिजनों को मना नहीं पड़ा और माही निकल पड़ी मां नर्मदा की परिक्रमा के लिए। माही के माता पिता नवाघाट घाटी पर रहते हैं और माही की उम्र अभी मात्र 10 वर्ष है और वे 5वीं कक्षा में पढ़ाई कर रही है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं आप? अच्छा, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? अच्छा, आपके साथ में नन्ही सी बच्ची भी है जो? अच्छा, ये कैसे आपके साथ है? हमने मान्यता ले ली थी इनका पप्पा की। अच्छा, ये सही हो जाएगा पप्पा, मैया एक कदम उठाएंगे तो हो गया। जब हमने सलाह हो गई अब तक जाना, इनको बोला था बड़ी वाली को, बोले कि भाई तू चल बेटी, तो ये बोली कि नहीं मैं चल। अच्छा,